नमस्कार। अब हम लोग नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसका बेसिक हम लोग 10th में भी पढ़ चुके हैं, उसी का थोड़ा सा एडवांस रूप है। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है वह ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, सबसे पहले। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, तो पहले दो तीन एंगल समझ लीजिए। एक्यूट एंगल, जीरो डिग्री लेस देन 90 डिग्री, ऑब्टूस एंगल 90 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 180 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 360 डिग्री। ये सब लगभग 10th का बेसिक चीज है। इसके बाद हम लोग आगे ग्राफ्स पे। ठीक है, तो अब आइए मिटाना पड़े। अब आइए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। या 90 डिग्री, यदि इस एंगल को हम थीटा मान लें तो जस्ट अपोजिट साइड को कहा जाएगा परपेंडिकुलर, 90 बनाने वाला सेकंड साइड को बेस, एंड अपोजिट टू 90 डिग्री को कहा जाता है हाइपोटेनस। ठीक है, अपोजिट टू 90 डिग्री हाइपोटेनस। एंड पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मीन्स इन तीनों साइड्स में यदि हम दो दो साइड्स का रेशियो बैठाएं तो कुल कितना रेशियो बनेगा, उसी को कहा जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो तीन साइड से पी बी एच, इनमें दो दो का रेशियो बैठाना है, पी बाई एच तो एच बाई पी दो हो गया, पी बाई बी बी बाई पी फोर, एंड बी बाई एच एच बाई बी सिक्स, एंड देर आर सिक्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो फर्स्ट को कहा जाता है साइन थीटा जो होता है पी बाई एच, सेकेंड कॉस थीटा बी बाई एच, थर्ड टैन थीटा पी बाई बी, फोर्थ कॉट थीटा बी बाई पी, फिफ्थ सेक थीटा एच बाई बी, एंड सिक्स कोसेक थीटा एच बाई पी। ठीक है, अब देखो ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ए दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, एंड सिमिलरली ए और ए एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी यह दोनों आपस में रेसिप्रोकल है, यह दोनों आपस में रेसिप्रोकल है, और यह दोनों आपस में रेसिप्रोकल है। ठीक है, अब इस पर आधारित
some identity. अब देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले कहो और आइडेंटिटी, टीटीज देखो, आइडेंटिटी मीन्स विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स. फॉर एग्जाम्पल देखो, 4x-8 इज इक्वल टू 0. एक्स के किसी पार्टिकुलर वैल्यू या सम पार्टिकुलर वैल्यूज के लिए ट्रू होगा, मीन्स एक्स के किसी एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू के लिए ट्रू होगा. एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x+4. इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी एक्स का जो मान रखना है रखो, LHS एंड RHS ऑलवेज इक्वल होगा. 3x+4 इजकल टू 3x-6. इट इज नेवर ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल मीन्स एक्स. एक्स का कोई भी वैल्यू रखो या ट्रू नहीं होगा. और यह तीनों के तीनों इक्वालिटीज हैं, इक्वालिटीज, इक्वल का साइन लग गया तो इक्वालिटीज, और वही लेस देन ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू लग जाता तो इन इक्वालिटीज कहलाता, जो कि 11th में हमको पढ़ना है. तो यह तीनों के तीनों इक्वालिटीज हैं, ठीक है. लेकिन यह तीनों में डिफरेंस है. यह क्या है, इट इज ट्रू फॉर सम पार्टिकुलर वैल्यूज ऑफ एक्स, और जैसे एक्स का मान 2 रखा जाए तो 8-8=0 ट्रू है. तो सिर्फ एक्स के एक्स इजकल टू 2 के लिए ट्रू है, और ऐसे इक्वालिटीज को कहा जाता है इक्वेशन. इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स. एक्स का आप जो मान रखना है रखो, 1, 2, 3, -10, -20, -1 करोड़, 2 करोड़ जो रखना है रखो, यह ऑलवेज ट्रू होगा. तो ऐसे इक्वालिटी को कहा जाता है आइडेंटिटी. और यह एक्स के किसी भी मान के लिए ट्रू नहीं होगा. एक्स का आप जो मान रखना रखिए, कभी ट्रू नहीं होगा. एक्स के या किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं होगा. इसको कहा जाता है मीनिंगलेस. इसको कहते हैं मीनिंगलेस. तो इसी तरह से ये अलजेब्रा में हुआ, अलजेब्रा का इक्वालिटी में हुआ, इक्वेशन, आइडेंटिटी, मीनिंगलेस. सेम चीज ट्रिगोनोमेट्री में भी होता है. तो हम यही लिखने जा रहे हैं, आइडेंटिटीज, यानी विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा होगा. अब देखो इसका सबसे फर्स्ट यहां से आते हैं. फर्स्ट ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1. तो इससे तीन आइडेंटिटी आप निकाल सकते हैं. कैसे, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1-cos²θ, सी कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1-sin²θ. सेकेंड ए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1. तो इससे भी आप तीन निकाल सकते हैं. sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1+tan²θ एंड सी tan²θ ए जाके इधर माइनस जाएगा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1. 3 cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ए बी cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1+cot²θ एंड सी
कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। फोर ए साइन एंड कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो यह दोनों को इंटू करेंगे तो कट के वन हो जाएगा। पी बाई एच साइन और एच बाई पी कोसेक, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इजकल टू वन। इसका बी साइन थीटा इजकल टू वन बाई कोसेक थीटा, सी कोसेक थीटा इजकल टू वन बाई साइन थीटा। ठीक है, फाइव ए आइए, साइन का कोसेक, तो कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, तो ई भी बन जाएगा। इससे भी तीन फार्मूला, कोस थीटा इजकल टू वन बाई सेक थीटा और सेक थीटा इजकल टू वन बाई कोस थीटा। सिक्स टैन का उल्टा कॉट, तो टैन थीटा इंटू कोट थीटा इजकल टू वन। इसका भी टैन थीटा को आप लिख सकते हो वन बाई कोट थीटा एंड इसका सी कोट थीटा को लिख सकते हो वन बाई टैन थीटा। ठीक है, सेवन नंबर टैन थीटा का आप लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा एंड एट नंबर कॉट थीटा को लिख सकते हो कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इतनी आइडेंटिटी है, बेसिक आइडेंटिटी। इसके अलावा तो हम लोग बहुत सारा पढ़ेंगे, 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा एंड सिमिलरली 360 प्लस माइनस। तो ये बेसिक आइडेंटिटी हुआ। अब इसका प्रूफ बहुत आसान है, आप सीधे भाई रख दो, जैसे कोई एक प्रूफ करना हो, मान लीजिए आप ए सिद्ध करना हो तो कोसे का एच बाई पी का होल स्क्वायर ये बी बाई पी का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई कीजिए पाइथागोरस लगाइए प्रूफ हो जाएगा। और एक सेकेंड मेथड, अब देखो इसका प्रूफ बहुत आसान है। जैसे देखो एक काम प्रूफ करते हैं, फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, एल एच एस लेके आइए, थीटा बी पी एच, तो साइन थीटा पी बाई एच इसका अर्थ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पी बाई एच होल स्क्वायर बी बाई एच होल स्क्वायर, ये हो गया पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर एल सी एम एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। तो एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर कट के हो गया वन। तो इस मेथड से सबका प्रूफ बहुत ईजी है। ठीक है, अब इसी को आप दूसरे रूप से प्रूफ कर सकते हैं, वो कैसे देखो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को सर्कुलर रेशियो भी कहा जाता है, क्यों देखिए। सपोज द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल इज वन यूनिट, इसका रेडियस को हम वन यूनिट मान लें, तो कोई एक पॉइंट लीजिए P, यहाँ से इसको ड्रॉ कीजिए पी एम 90 और यहाँ से मिलाइए,
तो इस किस्म यदि यह एंगल हो तो ये आपका हो जाएगा पी, ये आपका हो जाएगा बी एंड ई हो जाएगा आपका एच, जो कि रेडियस के बराबर होगा, जो कि वन हम मान के चल रहे हैं, यानी सर्कल के रेडियस को वन मान के चल रहे हैं। तो देखो लेट रेडियस ऑफ द सर्कल इज वन यूनिट, पी इसका कोऑर्डिनेट जो मानिएगा वही यहाँ होगा, यह परपेंडिकुलर है बेस है तो यह पी भी कोऑर्डिनेट हो जाएगा, लेकिन पी यहाँ भी आया है तो ऐसा करते हैं, जनरली हम लोग इसको एक्स मानते हैं, ठीक है, तो ये हो गया वाई, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स वाई, तो पी एक्स वाई इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल, पी एक्स वाई इस सर्कल पर कोई एक पॉइंट ले लिए, तो यहां से यदि इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे पी एम परपेंडिकुलर ओ एक्स इज ड्रॉन, खींचा गया, तो सोचो तो ओ एम एक्स हो जाएगा और पी एम वाई हो जाएगा एंड पी ओ बराबर रेडियस बराबर वन, और यही आपका हाइपोटेनस भी है, ठीक है। तो अब उसमें निकालिए, इसलिए साइन थीटा फॉर्मूला के अनुसार परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस यानी पी एम बाई ओ पी, पी एम आपका है वाई, ओ पी है वन, यानी कि वाई हो गया। कॉस थीटा बेस ओ एम बाई ओ पी, बेस आपका है एक्स, एक्स हो गया। अब जो रेशियो जो हम लोग आठ को लिखे हैं आइडेंटिटी, जिसमें से वैल्यू भर दो सब प्रूफ हो जाएगा, हम फर्स्ट लेके चलते हैं, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा वाई है तो वाई का स्क्वायर, कॉस थीटा एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, और फिगर में देखो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इजकल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो फिगर के अनुसार पी एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर ओ पी स्क्वायर के बराबर होगा, पी एम आपका है वाई, आई है एक्स, आई है वन का स्क्वायर यानी कि वन हो जाएगा, तो इसके जगह पर वन रख दीजिए, वन प्रूफ हो गया, ऐसे ऐसे बहुत सब सिंपल है, ठीक है। अब है कि इस पर आधारित कुछ प्रॉब्लम जो 11th का फर्स्ट चैप्टर में 10th पर बेस्ट, जो 10th में आइडेंटिटी पढ़े थे लास्ट एक्सरसाइज हाइट एंड डिस्टेंस के पहले, तो उसी पर बेस्ट थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा के इसमें पहला चैप्टर दे दिया प्रैक्टिस के लिए, और तब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टी रेशियो 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा एंड सो ऑन 360 तक, और उसके बाद हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब हम इस पर कुछ प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके बता देते हैं, और बाकी को आपको चेक करना है खुद घर पे चेक कर लीजिए। अब देखो अब सम प्रॉब्लम, ठीक है ना, तो सबसे पहला प्रॉब्लम लिखिए, प्रूव दैट साइन एट थीटा माइनस कॉस एट थीटा इजकल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, बस आइडेंटिटी करना है, LHS लेके पढ़िए, LHS इसको
इसको कर दो साइन 4 थीटा का होल स्क्वायर कॉस 4 थीटा का होल स्क्वायर। ए पूरे को हम यदि समझे ए और इस पूरे को बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। इस साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा को ए समझा जाए एंड कॉस 4 थीटा को बी समझा जाए, तो ए टू द पावर 2 बी टू द पावर 2 मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है, फिर इसको स्क्वायर का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और ऐसे लिखिए इनटू, इसको भी सजाओ साइन स्क्वायर थीटा टू द होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा टू द होल स्क्वायर। यह आ गया आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर और यह आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का हमारा दो फार्मूला, एक होता है ए स्क्वायर, सॉरी एक फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो अब उस फार्मूला पर इसको तोड़ दीजिए, तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, तो हमको इसका फार्मूला चाहिए ना। देखिए स्क्वायर अलग है तो ये पूरा ए है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला निकलेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। इसका फॉर्मूला हम रख लिए तो यह इधर जाके इसमें माइनस होगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक और भी होता है ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, लेकिन हमें इसी फॉर्मूला की जरूरत है। क्यों? तो देखिए इसको समझो ए स्क्वायर, इसको बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर, तो ए हमारा पूरा है तो ए या प्लस बी पूरा है और इसका होल स्क्वायर और माइनस टू ए बी। तो ए देखो साइन स्क्वायर है इंटू बी कॉस स्क्वायर थीटा, या आपका यहां से यहां तक आप इसको अभी तक हम लोग तोड़ दिए, इसको यहां से यहां तक, अब ये आ गया तो यह खुद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको तोड़ो ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखो जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यह हो गया 1 टू द पावर 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और ये है अभी ऐसे, और यहाँ देखिए यह फिर 1 हो गया 1 और इनटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो जो मेरा लाना था आ गया 1 इंटू यह, यही रह जाएगा और देखो यह 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यह आ गया। तब इसको अरेंज करके लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, प्रूफ हो गया इजकल टू आर एच एस लिखिए और प्रूफ भी लिख दीजिए, हो गया। अब देखो सेकेंड, सेकेंड देखो दूसरा, टेन थीटा प्लस सिक्स थीटा माइनस 1 बाई टेन थीटा माइनस सिक्स थीटा प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा बाई
कॉस थीटा। अब देखो आप इसे दो तरह से बना सकते हो, एक तो सबको साइन कॉस में तोड़ दो और एलसीएम लो, एलसीएम कट जाएगा, फिर उसके बाद रेशनलाइज कर दो। वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है और इसका शॉर्टकट देखिए, वो शॉर्ट प्रोसेस बनाना है तो ऐसे बनाइए एलएचएस। टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन क्या करना है, वन के लिए वही फॉर्मूला रखना है जिसमें सेक एंड टेन आता हो, सेम प्रॉब्लम आएगा कॉट एंड कॉसेक में भी आएगा। तो सेक और टेन में वन के लिए फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो इस वन के लिए रख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और डेनोमिनेटर में कुछ नहीं करना है, डेनोमिनेटर को आपको छूना ही नहीं है, बस लिखते जाइए। अब देखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा या, और यह आप कहोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे तो सिर्फ लिखते जाना है प्लस वन। यहाँ आइए एक लाइन और बढ़ा देगा, अब देखो कि यह और यह दोनों इंटू में है तो यह एक टर्म माना जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और यह एक टर्म है तो सिर्फ ऊपर दो टर्म्स हैं और दोनों में कुछ कॉमन हो तो कॉमन आप ले सकते हो। तो हमारा कॉमन है टेन प्लस एक, देखो तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन ले लीजिएगा तो देखिए ये पूरा का पूरा कॉमन चला गया, तो कॉमन जाने के बाद कुछ नहीं बचता है तो वन बचता है, बिकॉज वन इज द आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन। तो वन यहाँ बच गया, माइनस के बाद ये तो कॉमन मेरा चला गया, यह बच रहा है, लेकिन इस माइनस के कारण यह हो जाएगा माइनस और यह हो जाएगा प्लस, और डिनोमिनेटर को तो कुछ करना ही नहीं है। देखो यह दोनों सेम आ जाता है, देख लो वन प्लस सेक माइनस टेन प्लस, तो यह पूरा के पूरा कट गया, बच गया आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसको आप साइन कॉस में तोड़ दीजिए, सेक का वन बाई कॉस, टेन का साइन बाई कॉस, एलसीएम ले लीजिए कॉस थीटा वन प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं, अब लिखिए तीसरा है 3s और ऊपर लिखते हैं 3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का पावर 4 प्लस 4 साइन 6x माइनस कॉस 6x प्लस 6 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू लाना है आपका 13। देखो 3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल 4 प्लस 4 साइन 6x प्लस कॉस 6x प्लस कॉस 6x प्लस 6 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 30 लाना है। सिंपली बस
प्रूफ। LHS यानी सीधे लिख देते LHS इज इक्वल टू, तो माइनस कॉस एक्स का होल फोर प्लस फोर साइन सिक्स एक्स प्लस कॉस सिक्स एक्स प्लस सिक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए थ्री रखिए ए माइनस बी का होल फोर, ऐसे बाइनोमियल से तो सब टूटता है, होल फोर होल फाइव होल टेन होल दस बीस पचास सौ जितना भी पावर हो टूट सकता है, लेकिन अभी हम लोग अलजेब्रिक फार्मूला यूज कर रहे हैं तो इसको हम सॉरी एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, होल फोर था तो होल स्क्वायर टू द पावर टू प्लस फोर एक क्यूब है तो इसको कर दो साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब, और ए तो सीधा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो इसको तोड़ ही दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब यहाँ देखिए पहले a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर, उसके बाद फिर जो आएगा उसका होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अभी तक इतना का सिंप्लीफाई हो गया a पावर यानी कि टू ए सिंप्लीफाई हो गया, लेकिन अभी यह तो बचा हुआ है प्लस फोर, ये तुम्हारा आगे ए क्यूब, ये पूरा को समझना है ए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो फार्मूला देखो लगा दो ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, तो ए हमारा इस पूरा है और बी अपूरा है, तो a प्लस बी इसका होल क्यूब माइनस थ्री ए इंटू बी, तो a इंटू बी अब ब्रैकेट में a प्लस बी यानी a प्लस या अभी तक यहाँ तक हो गया, यहाँ तक मेरा हो गया, लेकिन यह पूरा बचा हुआ है उसको हम लोग लिख दे रहे हैं नीचे प्लस सिक्स, यह फॉर्मूला हो गया आपका वन प्लस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखो थ्री यह भी फॉर्मूला हो गया वन हाँ माइनस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, लेकिन इसका होल स्क्वायर प्लस फोर, देखो यह वन होता है तो वन का क्यूब हो गया माइनस थ्री साइन स्क्वायर एक कॉस स्क्वायर एक्स ई हो गया वन, तो हो गया वन हो गया वो यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट छूट रहा है, तो ई हो गया वन का क्यूब थ्री या ई हो गया वन प्लस सिक्स, इसको इंटू कर दीजिए प्लस ट्वेल्व साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखिए यह तो इंटू है और यह फिर ए माइनस बी, ये पूरा को समझना है बी और यह आपका हो गया ए, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए ये पूरा है बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी, तो टू इंटू ए वन इंटू बी है टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और तीन होल से मल्टीप्लाई है तो तीन अभी ऐसे रहेगा प्लस इस फोर से भी इंटू कर दीजिए फोर इंटू वन फोर माइनस ट्वेल्व साइन स्क्वायर एक्स
कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सिक्स प्लस ट्वेल्व साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखो थ्री से इंटू करो संग में, तो थ्री और यह हो जाएगा दो दूनी चार आइए तीन से गुना बारह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस ये भी चार और तीन से गुना बारह साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस फोर माइनस बारह साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सिक्स प्लस ट्वेल्व साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये ट्वेल्व यहाँ से कट गया और ये यहाँ से कट गया, जो बच गया उसको जोड़ दीजिए तो बच गया आपका थ्री प्लस फोर प्लस सिक्स इजिकल टू तेरह इजिकल टू आर एच एस। प्रूव हो गया ठीक है, अब मिटाते हैं। अब ये को चार ठीक है, ये फिर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इजकल टू टेन स्क्वायर बी, देन प्रूव दैट कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए ठीक है ना, ए माइनस है यहाँ माइनस है। देखो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर बी, देन प्रूव दैट कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इजकल टू टेन स्क्वायर ए। ये आपका कंडीशन हो गया, यानी इसका अप्लाई कर सकते हैं उसमें और उतना लाना है। तो देखो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इजकल टेन स्क्वायर ए, तो टैन ए का फॉर्मूला होता है साइन ए बाई कॉस ए, तो हम कोशिश करें कि इसे साइन ए निकाले और कॉस ए निकाले, भाग दे दें जो आना होगा आ जाएगा। तो इससे बढ़ो प्रूफ सिंस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर बी, हम चाह रहे हैं कि कॉस स्क्वायर ए का मान निकालें, कॉस स्क्वायर ए तो साइन को चेंज करना होगा कॉस में और ये कॉस को छोड़ देना होगा एज यूजुअल, तो कॉस ए स्क्वायर ए छोड़ दीजिए आई साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला अभी जस्ट पढ़े हैं ए इजकल टू टेन स्क्वायर बी, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस वन ए माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए इजकल टू टेन स्क्वायर बी, तो यह प्लस यह टू कॉस स्क्वायर ए इजकल टू इसको उधर ले जाओ वन प्लस इसको ये करके छोड़ दो, क्योंकि टेन स्क्वायर ए चाहिए तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर का निकाल दिया, फिर हम इसको लेके चढ़ेंगे और अगर साइन स्क्वायर का मान निकाल लें अगेन कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर बी, अब कॉस को चेंज करो तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इजकल टू टेन स्क्वायर बी, तो वन माइनस ये दोनों जुड़ जाएगा इजकल टू टेन स्क्वायर बी, ये माइनस है तो इसी को उधर ले जा रहे हैं इसको इधर ले रहे हैं, तो वन माइनस टेन स्क्वायर बी इजकल टू टू साइन स्क्वायर ए सेकेंड। अब
अब हमको टेन स्क्वायर एच चाहिए तो सेकंड में फर्स्ट से भाग दे देंगे, सीधा करके लिख देते हैं, इसको ए साइड लिख देते हैं, तो टू साइन स्क्वायर इजकल टू वन माइनस टेन स्क्वायर बी ए सेकेंड। अब यदि हम सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड करें तो देखो टू साइन स्क्वायर ए बेटा टू कॉस स्क्वायर टू टू कट जाएगा, टेन स्क्वायर आ जाएगा, इधर सिंप्लीफाई कर देंगे तो लिखेंगे अब क्या, फ्रॉम सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट। तो डिवाइड करोगे तो एल एच एस डिवाइडेड बाई एल एच एस एंड आर एच एस डिवाइडेड बाई आर एच एस, तो टू साइन स्क्वायर ए बाई टू कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन माइनस टेन स्क्वायर बी बट्टा वन प्लस। देखो हम सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड करें तो यह न्यूमिनेटर बनेगा या डेनोमिनेटर बनेगा, तो टू साइन स्क्वायर ए बाई टू कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन माइनस टेन स्क्वायर बी बाई वन प्लस टेन स्क्वायर बी। ए आपका कट गया और ये आपका हो गया टेन स्क्वायर ए, और इधर आप क्या करोगे तो ए तो आपका आ गया, लाना है कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, दिस इंप्लाइज दैट कि वी हैव टू चेंज टेन स्क्वायर बी इन द फॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर। तो इसको चेंज करो, वन टेन स्क्वायर बी को लिख सकते हो साइन स्क्वायर बी बाई कॉस स्क्वायर बी, सेम चीज नीचे आइए वन प्लस टेन स्क्वायर बी को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बी बाई कॉस स्क्वायर बी, ए मेन रह गया, ऊपर एल सेम लीजिए तो ए जाके गुना हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, नीचे भी एल सेम लीजिए कॉस स्क्वायर बी तो यहाँ जाएगा कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, ये आपका तो ऐसे ही कट गया तो बच गया कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी बाई कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी। तो देखो हम लोग पढ़े थे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू वन, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दोनों एंगल सेम होना चाहिए, तो यहाँ भी देखो कॉस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर बी दोनों एंगल सेम है तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर वन हो जाएगा, तो ये आपका वन हो गया तो बच जाएगा आपका कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इजकल टू आर एच एस, या नीचे लिख देते ठीक है। चलिए हो गया, अब देखो ठीक है, देखो इफ ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इजकल टू सी देन प्रूव दैट ए कॉस है ए कॉस ए कॉस ए कॉस तो हो जाएगा कॉस साइन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इजकल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखो प्रूफ, ए कॉस थीटा माइनस बी सी इसको एक मानिए, इसको भी कई तरह से एक होता है कि इसी को स्क्वायरिंग एडिट कीजिए वैल्यू निकालिए फिर उसमें रखिए, लेकिन सबसे आसान होता है कि देखिए ये फॉर्मेट है ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा,
तो देखो यहाँ कॉस था यहाँ साइन था, तो देखो यहाँ उलट गया, साइन और कॉस हो गया, माइनस का प्लस जाएगा। तो यदि ऐसा हो, यानी जो गिवन हो उसी फॉर्मेट का लाना भी हो, सिर्फ रेशियो इंटरचेंज कर जाता है और साइन चेंज कर जाता है, तो इसका सबसे बढ़िया तरीका होता है कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा को मान लो एक्स लेट, इसको सेकंड कर दो। कहने का मतलब कि यह तो हमारा गिवन है और जो हमको लाना है इसको एक्स मान लिया, तो यदि एक्स का वैल्यू जैसे इसके बराबर हम यहाँ एक्स मान लिए, तो यदि एक्स का वैल्यू यह आ गया, मीन्स कि प्रूफ हो गया, यदि एक्स का वैल्यू यह आ गया तो प्रूफ हो गया, क्योंकि इस पूरे को हमने एक्स मान लिया है और हमें इतना इजकल टू इतना लाना है। तो मान लो उसके बाद सीधे स्क्वायरिंग कर दीजिए, एस बी एस स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या लिखाएगा, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन एंड एंड देगा और उसके बाद जोड़ देना है, तो ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इसका होल स्क्वायर, यानी इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर और इज इक्वल टू यह होल स्क्वायर प्लस, तो प्लस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। देखो जो गिवन है वो फर्स्ट हो जाएगा, जो टू प्रूफ है उसको एक्स मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं और दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देते हैं, तो इसका होल स्क्वायर प्लस यह होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब इसको तोड़िए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू इंटू यह इंटू यह, टू इंटू ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा, इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, इसको इसको इसी तरह से इसको भी एक्सपेंड करेंगे, लेकिन यह ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी, टू इंटू ए साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा और इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो टू ए बी साइन कॉस, टू ए बी साइन कॉस एक ही चीज़ है, तो तोड़ दो, कट गई। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो ए कॉस का होल स्क्वायर मीन्स ए का भी स्क्वायर और कॉस का भी स्क्वायर, बी का स्क्वायर साइन का स्क्वायर, यहाँ आइए ए का स्क्वायर साइन का स्क्वायर एंड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू आपका चल रहा है सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर वाला दो टर्न है, ए स्क्वायर यहाँ, ए स्क्वायर यहाँ, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लो, देखो ना ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन, तो बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एंड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉमन, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा और यह अपने जो जैसे चलता रहेगा। हम पढ़े हैं कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बराबर होता है वन, तो ये बच जाएगा ए स्क्वायर, ये बच गया एक्स बी स्क्वायर, आइए आपका इधर चल रहा है सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स का मान निकालना है, तो इसको हम इधर ला दें, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर को इधर लाना है, माइनस सी स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि x बराबर x रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इस पर आगे रूट चढ़ जाएगा, आर एच एस प्रूफ। तो इस तरह से अब बहुत सारा प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम अब नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे और उसके बाद हम लोग का शुरू होगा
ग्राफ्स, सम रेशियोज एंड ग्राफ्स, ठीक है, ओके, थैंक यू।